स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दर्पण 2.0 की पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कैसे आप मैनुअल बैग ओपन कर सकते हो, VPP रिसीव कर सकते हो। इस वीडियो में रिसीव्ड VPP को डिलीवर करेंगे और VPMO बुक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको ओपन करना है मेल ऑपरेशन, उसके अंदर डिलीवरी मॉड्यूल। उसमें आप पार्सल में जाओगे तो आपको VPP लिस्ट वहाँ पर मिलेगी। तो VPP वाले जो आर्टिकल्स हैं वो दोनों के दोनों यहाँ लिस्ट हो रखे हैं। आपको अमाउंट चेक करना है, अमाउंट करेक्ट होना चाहिए। 900 रुपीज़ की VP है, 45 रुपीज़ का कमीशन है, तो आपको वो दोनों चीज़ें चेक करनी है। आप आर्टिकल पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको वो डिलीवरी टाइम शो करेगा। और एक छोटी सी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है GPS लोकेशन की। तो GPS लोकेशन की ट्रिक्स, हमने दो ट्रिक्स इसमें बताई हैं। पहला आर्टिकल जब हम डिलीवर करेंगे तो हम आपको पहली ट्रिक बताएंगे, दूसरा जब आर्टिकल डिलीवर करेंगे तो दूसरी ट्रिक बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आपको मार्किंग करनी है आर्टिकल डिलीवर है या नॉन डिलीवर है। GPS लोकेशन दोनों ही सिनेरियो में इम्पोर्टेंट है। अगर आपने डिलीवर करनी है तो भी, नॉन डिलीवर का रिमार्क डालना है तो भी। तो जैसे ही आप डिलीवरी का रिमार्क सेलेक्ट करते हो, ये आपको VPP अमाउंट और VPP कमीशन जो है वो शो कर देगा। लोकेशन की ट्रिक ये है कि आपको वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है, एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ करना है। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। वाईफाई का नेटवर्क और लोकेशन भी चेंज करनी है, और आपको मोबाइल जो है वो आउटसाइड द बिल्डिंग्स भी लेके जाना है। ये रिकमेंडेड है एक तरह से। अगर आप ये प्रोसेस करते हो तो आपको इसमें बहुत कम टाइम लगेगा और ये GPS लोकेशन ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। कुछ डिवाइसेस में ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डिवाइसेस जो हैं वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। देखिए GPS लोकेशन आ गई है। अब आपको मार्किंग करनी है कि आर्टिकल डिलीवर है नॉन डिलीवर है। जो आपके पास आर्टिकल है उसका स्टेटस आपको पता ही होगा। जैसे ही आप डिलीवरी स्टेटस अपडेट करोगे, आपको VPMO अमाउंट और VP कमीशन शो कर देगा। आपको कस्टमर से टोटल पैसे लेने हैं VPMO और VP के समेत। सबमिट पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा जिसमें वो शो करेगा कितना अमाउंट आपको कस्टमर से कलेक्ट करना है। जैसे ही आप उस पर यस पर क्लिक करोगे, वो ऑटोमेटिक आर्टिकल डिलीवर अपडेट हो जाएगा। अब इसी तरह आपको सेकेंड आर्टिकल दिखाते हैं जो आपको डिलीवर करना है। दूसरे आर्टिकल की डिलीवरी के टाइम भी आपको एक GPS की ट्रिक बताते हैं। आपको GPS के आइकन पर क्लिक करना है 3 से 4 बार। GPS की लोकेशन जो है वो फैच हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो आपने मिनिमाइज़ करना है ऐप को स्वाइप डाउन करके, उसके बाद एरोप्लेन मोड को ऑन कर देना है। जैसे ही आप एरोप्लेन मोड को ऑन कर दोगे, उसके बाद आपने दोबारा GPS आइकन पर 3 से 4 बार क्लिक करना है। आप रिट्राई करते रहिए, ये ऑटोमेटिकली GPS की लोकेशन फैच कर लेगा। जैसे ही GPS के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, उसके बाद आपको दोबारा ऐप को मिनिमाइज़ करना है और एरोप्लेन मोड को ऑफ कर देना है ताकि ये नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए। उसके बाद आप जब डिलीवरी का रिमार्क दोगे तो ये आपको VPP अमाउंट और कमीशन जो है वो शो करेगा। सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा। कन्फर्मेशन मैसेज में आपको अमाउंट शो करेगा, आर्टिकल का नंबर शो करेगा। आपको उस पर यस पर क्लिक करना है। जैसे भी आप यस पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आर्टिकल डिलीवर हो जाएगा। डिलीवरी कंफर्मेशन के लिए आप एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट चेक कर सकते हो, जिसमें आपको नंबर ऑफ आर्टिकल इनवॉइस, नंबर ऑफ आर्टिकल डिलीवर्ड, नॉन डिलीवर्ड, ये सब आपको शो करेगा। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि आर्टिकल आपने कितने रिसीव किए हैं, कितने इनवॉइस किए हैं, कितने आपने डिलीवर किए हैं। अब हम VPP आर्टिकल जो डिलीवर हुए हैं उनका VPMO बुक करेंगे। उसके लिए आपको जाना है मेल ऑपरेशन के अंदर ही बुकिंग मॉड्यूल में। बुकिंग मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद आपको EMO पर क्लिक करना है। VPMO और EMO दोनों एक ही आइकन से बुक होंगे। पुराने RICT डिवाइस में ये अलग अलग आइकन थे, लेकिन इस मॉड्यूल में ये एक ही आइकन में दिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है मैसेज कोड। अगर आप VPMO मैसेज कोड सिलेक्ट करते हो तभी आप VPMO बुक कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। तो आपको सिलेक्ट करना है VPMO कोड। VPMO सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है VP आर्टिकल। यहाँ सिर्फ वही आर्टिकल दिखाएगा जो डिलीवर्ड आर्टिकल है, उनका आप VPMO बुक कर सकते हो। तो आप ऑटोमेटिकली जैसे ही एक आर्टिकल पर सिलेक्ट करोगे तो ये आपको उसका अमाउंट और कमीशन शो कर देगा। तो इसलिए ध्यान रहे, जब आपके पास आर्टिकल आते हैं तो आपको चेक करना है कि उसमें VP का अमाउंट शो हो रहा हो, और जब आपने रिसीव करें हैं तो आपने करेक्ट अमाउंट ही उसका शो किया है।
अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप BPMO गलत अमाउंट का बुक कर दोगे, जिससे बाद में कंप्लेंट आएगी। तो BPMO का अमाउंट और कमीशन आपको शो हो जाएगा, रेड कलर में ये एंट्री शो हो रही है। उसके बाद आप देखोगे सेंडर की डिटेल, अगर वर्चुअल डेटा आया है तो सेंडर की डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी, अगर ऐसा नहीं होता तो आपको खुद से फिल करना है। मैनुअल बैग जब आप रिसीव करोगे तो आपको सेंडर की डिटेल भी खुद से डालनी है। BPMO बुकिंग के केस में सेंडर की डिटेल वो डिटेल होगी जिसको वो आर्टिकल मिला है, जिसने BPMO के पैसे या VPP के पैसे दिए हैं आपको। तो आपको मोबाइल नंबर, नेम, एड्रेस, पिन कोड, ईमेल आईडी, ये सब कुछ कंप्लीट भरना है। ये चीज़ें ध्यान से भरनी है। पिन कोड जो होगा वो सबसे ज़रूरी है, उसी से सिटी और स्टेट जो है वो ऑटोमेटिकली फैच होगी। तो ये सब कुछ मैपिंग के थ्रू है। आप EMO बुक करते हो, BPMO बुक करते हो, दोनों केसेस में ही पिन कोड जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप सेंडर की डिटेल भर लोगे, उसके बाद आपको डिटेल भरने है एड्रेस की, जिसने वो VP आर्टिकल भेजा है वो एड्रेस ही होगा। इस केस में भी आपको पिन कोड सबसे ध्यान से भरना है, क्योंकि जो पिन कोड आप भरोगे उसी पिन कोड पर ही वो BPMO बुक होकर जाएगा और वहीं से वो डिलीवर होगा। अगर आप गलत पिन कोड भर देते हो तो वो BPMO सही डिलीवर नहीं होगा और वापस इसी पिन कोड पे आ जाएगा जिससे आप बुक कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से भरनी है। मोबाइल नंबर अब कंपलसरी हो गया है जो नया SB ऑर्डर आया है उसके अंदर। तो आपको बुकिंग के टाइम पे मोबाइल नंबर और पिन कोड जो है वो सही भरने हैं। जैसे ही आप ये भर दोगे, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपको ये कन्फर्मेशन मैसेज शो करेगा। तो आपको दोबारा कन्फर्म करना है अमाउंट, VP अमाउंट, और उसके बाद पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सारे पर्टिकुलर आपको चेक करने हैं। तो टोटल 945 रुपीज़ इसमें बनते हैं। तो ये BPMO जब बुक होगा तो 45 रुपीज़ डिपार्टमेंट को कमीशन चला जाएगा और 900 रुपीज़ जो है वो कस्टमर को पे हो जाएंगे। तो जैसे ही आप बुक पर क्लिक करते हो, ऑटोमेटिकली ये BPMO बुक हो जाएगा और आपके पास एक बुक BPMO के बाद BPMO का नंबर या EMO का नंबर आ जाएगा, जिसको आपको नोट कर लेना है। इन फ्यूचर अगर कोई कंप्लेंट आती है तब आप ये शो कर सकते हो। सेंड SMS पर आप क्लिक करोगे तो आप ई रिसिप्ट भेज दोगे इस BPMO बुकिंग की। ओके पर क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। जो नेक्स्ट VP है उसका भी BPMO बुक हो सकता है, या बाकी काम करना चाहो तो आपको बाकी काम करने के लिए भी ओके पर क्लिक करना है। बुकिंग की डिटेल आप रिपोर्ट में चेक कर सकते हो। आप रिपोर्ट पर क्लिक करोगे, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट करोगे। जैसे ही आप डेट सिलेक्ट करोगे, ये आपको शो कर देगा कि आपने कितनी बुकिंग आज करी है। इसके अंदर बाकी सब भी आएंगे, लेकिन हमने 2 BPMO बुक करे हैं तो ये उन दोनों की डिटेल आपको दिखा रहा है। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हो। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट में भी आपको बुकिंग की सारी डिटेल दिखाएगा, तो आप यहाँ से ये चेक कर सकते हो। और उसके बाद आप वॉलेट का अमाउंट ज़रूर चेक करें। जब आपने VPP डिलीवर करी है तो VPP के बाद जो है वो अमाउंट वॉलेट का सही आना चाहिए। अगर आपको कोई डिफरेंस लगे तो आप चेक करें आपने कहाँ गलती करी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप इसका लाभ उठा पाओगे VPP डिलीवर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।